कासगंज जनपद के कादरगंज में मंगलवार की दोपहर अलीगढ़ से आए प्रवर्तन दल के अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ बदायूं डिपो की रोडवेज बस में चेकिंग की। इस बस में 23 यात्री बिना टिकट मिले हैं, जबकि कुल 33 यात्रियों में से मात्र 10 यात्रियों पर ही टिकट मिला है। यात्रियों ने टिकट के रुपए परिचालक द्वारा वसूल किए जाने और टिकट नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में यातायात अधीक्षक ने बस के परिचालक के विरुद्ध सिकंदरपुर वैश्य थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही विभाग के उच्च अधिकारियों को भी पूरे प्रकरण से अवगत कराया है। यातायात अधीक्षक मुख्यालय प्रवर्तन दल अलीगढ़ अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हें रोडवेज बस में परिचालक द्वारा यात्रियों से रुपए लेकर टिकट ना दिए जाने की शिकायत मिली थी। इसी की जांच करने के लिए वे अपनी टीम के सहायक यातायात निरीक्षक बुद्ध विहार डिपो संतोष कुमार, सहायक यातायात निरीक्षक हाथरस डिपो राघवेंद्र उपाध्याय के साथ कादरगंज पहुंचे। बस बदायूं से गंज लुडवारा जा रही थी। मेरे द्वारा रीचिंग कादरगंज नामक स्थान पर बस को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बस में कुल 33 यात्री थे, जिसमें से 23 यात्री बिना टिकट पकड़ा हूँ। परिचालक ने 23 यात्रियों का टिकट न देकर पैसा हड़प के रख लिया था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।